साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शासन की मंशा अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन बागली विकास खंड के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा है जिसमें आंगनवाड़ी संचालन किराए के भवन में तो होता है, लेकिन जब से आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुआ तब से शासन द्वारा किराया भुगतान नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी का किराया कई दिनों तक नहीं मिलता है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागली आदिवासी परियोजना के टप्पा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले साकलघाट आंगनवाड़ी केंद्र में जब से आंगनवाड़ी केंद्र खुला है तब से किराया नहीं मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस प्रकार की घटना सामने आई है, जबकि प्रशासन की ओर से किराया समय पर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि इन आंगनवाड़ियों को किराया समय पर क्यों नहीं मिलता, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? परेशानी आ रही है, रोड भी नहीं है, वर्क कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी कहाँ संचालित हो रही है? अभी छगन भैया के घर पे। क्या भवन किराया मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। कितने समय से नहीं मिला? अभी तो 4 साल लगे जब से नहीं मिल रहा। साकलघाट आंगनवाड़ी के किराए की अनियमितता की जानकारी मुझे आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है, यह मैं खुद इसकी जांच करूंगी और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो जो भी दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।